सो गाइस अल्ट्रा लीग में अब लड़ने जा रहे हैं हम लोग। बहुत टाइम लगाया यार, क्या बात है। ये तो कोई लड़की है, लड़की है तो भैया इम्प्रेस करना पड़ेगा इसको। तो भैया आर्सनाइन इनका आया है, काफ़ी अच्छी चॉइस है, फायर टाइप पोकेमोन है। सीपी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई है, 2495। गर्मी का टाइम है भैया, चेंज करेंगे इसको, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो हमने फ्लाइगोन स्विच किया फटाफट आर्सनाइन को देखकर। फ्लाइगोन क्या ड्रैगन, मतलब उसमें ड्रैगन वाली क्वालिटीज़ हैं, तो ड्रैगन की मतलब एक फितरत होती है आग से ना डरना, शायद ऐसा कह सकते हैं हम लोग। तो लड़की काफ़ी स्मार्ट निकली, इसने क्या किया कि स्विच कर लिया उसको फटाक से। और हमारे सामने एक उड़ती हुई चिड़िया है, दोनों उड़ रहे हैं हवा में, हवा में लड़ाई कर रहे हैं। हवा में भी लड़ना एक अच्छी क्वालिटी है। स्टेरेप्टर, तो स्टेरेप्टर हम पे अटैक करने वाला, हम शील्ड यूज़ करेंगे, ज़रूर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारा दूसरा पोकेमोन है और मैं नहीं चाहता कि हमारा दूसरा पोकेमोन को कोई दिक्कत हो। सो गाइस अगर हम वो शील्ड यूज़ नहीं करते तो हमें वो ख़त्म कर सकती थी, और अब हम उसे ख़त्म करेंगे। जिस लिए इसको बुलाया है वो काम ज़रूर करना है हमें। अब मैं चाहता हूँ कि वो आर्सनाइन को ही भेजे, क्योंकि तीसरे पोकेमोन को भेजना इस टाइम बेवकूफ़ी होगी। सो एक्चुअल में उसने आर्सनाइन को इसलिए भेजा क्योंकि उसको ये दिखा ग्रीन कलर का, और उसको लगा कि ये ग्रास टाइप पोकेमोन है, पर ड्रैगन था उसमें, ड्रैगन वाली क्वालिटीज़ थी उसमें। तो हमारे सामने खड़ा है ब्लैजिकिन, ये डिस्को डांसर जैसे कपड़े पहने हैं इसने, और ये डिस्को कर रहा है हमारे सामने। सो गाइज मैंने कवेलियन को इसलिए चूज़ किया क्योंकि कवेलियन जो है वो फायर टाइप के सामने टिक नहीं सकता, और टॉक्सिक रॉक को मैंने चूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके पास ये शील्ड थी और हमें इसकी शील्ड ख़राब करनी है। सो कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है, तो मैंने कवेलियन को एक तरीके से, मतलब होता है ना किसी कंधे पे रख के गोली चलाना, वैसा कुछ है ये। तो कवेलियन की आड़ में हम लोग डायनेमिक पंच मारेंगे जो कि टॉक्सिक क्रॉक का अटैक है, पर सेक्रेट स्वॉर्ड ने जो काम किया है भैया बहुत बढ़िया किया है। सो गाइस हमारा जो प्लान था अब तक का वो पूरा फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हमने टॉक्सिक क्रॉक को पीछे बैठाया था वो काम नहीं हो पाया। पर डरने की बात नहीं है, कोवेलियन अपना भाई है, कोवेलियन ऐसे डिस्को डांसर हुआ है ना, सिंग पे घुमाता है। सो गाइस तीन मैच में पहले ही खेल चुका था, ये चौथा मैच है जो हम जीत चुके हैं। सो गाइस टोटल 5 मैच होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, तो 5 में से 5 जीतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें भैया रिवॉर्ड से मतलब है, हमें स्टार डस्ट से मतलब है। माना कि 5 मैच जीतने पे ज़्यादा स्टार डस्ट मिलेगी, पर उसका फ़ायदा क्या कि हम लोग आगे रैंक बढ़ने पे स्ट्रॉन्ग प्लेयर से हारेंगे। सो गाइस वेपोरियन आ चुका है, वेपोरियन का कोई तोड़ी नहीं है हमारे पास, वेपोरियन को सिर्फ हम लोग डायनेमिक पंच से मार सकते हैं जो कि हमारा टॉक्सिक क्रॉक चलाता है। तो हम लोग टॉक्सिक क्रॉक को स्विच करेंगे क्योंकि हम लोगों ने उसको चार्ज कर लिया है। तो भैया ये भी बहुत स्मार्ट है, कोई कंपटीशन ही नहीं है, अल्ट्रा लीग की यही सबसे स्पेशल बात है। आप जो सोच रहे हैं वो सामने वाला वो सोच चुका है, उसने मेटाग्रोस लिया है मेरे सामने। सो गाइस जिस लिए मैंने फ्लाइकोन बुलाया था, पिछले मैच में मैंने आर्सनाइन के टक्कर के लिए बुलाया था, इस बार मैंने वेपोरियन के लिए बुलाया था, और हमें पता नहीं इनके पास तीसरा पोकेमोन क्या है। सो गाइस फ्लाइगोन की कुर्बानी देनी पड़ेगी हमें इस बार। इस बार फ्लाइगोन वैसे अपना काफ़ी हद तक काम कर चुका है, मेटाग्रोस को उसकी एक्चुअल में क्या है कि फ्लाइगोन की फील्ड ही नहीं है, क्या करेगा बेचारा। तो कोवेलियन आ चुका है, कोवेलियन मेटाग्रोस का फादर तो नहीं है पर
कोवेलिन की जो दो नोकेली सींगे हैं वो मेटाग्रॉस के ऐसी जगह जा सकती है ना। सो मेटाग्रॉस हार चुके हैं और ये हैं लेंडोरियस। लेंडोरियस अगर इनके पास कोई भी अर्थ टाइप का अटैक है, अर्थ को एक अर्थ पावर, तो हम हार सकते हैं। लेट्स सी व्हाट ही हैव। लेंडोरियस के पास क्या है देखते हैं। अर्थ क्विक ना हो, अर्थ पावर ना हो, रॉक स्लाइड। तो भैया लेंडोरियस बिल्कुल ताऊ की तरह है, आपने रिस्पेक्ट किया, हम लोगों ने उनको जाने दिया, पर वेपोरियन वाली कंडीशन आ चुकी है फिर से। सो गाइस शील्ड यूज़ हो चुकी है, उनके पास एक भी शील्ड नहीं है। डायनामिक पंच मारने का सही टाइम है और आप देखने वाले हैं कैसे वेपोरियन को हम हराएंगे। हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल टाइप पोकेमोन नहीं था, इसलिए हम लोगों को ये वाला पैतरा करना पड़ता है। सो सामने वाला लड़का जो है, जो भी है, लड़का है या फिर तो उसने बहुत सही दिमाग लगाया और सही चीज़ की उसने उसने दोनों का टाइम बचाया, उसने गेम को वहीं पर क्विट कर दिया। सो आप देख रहे हैं 5x5 लिखा है और पांचों में रिवॉर्ड है। पहले वाले का मैं रिवॉर्ड ले चुका था तो हम लेजेंडरी पोकेमोन की उम्मीद कर रहे थे, पर ये भी एक क्यूट है, गुड। तो इसको हम पाइनएप बेरीज खिलाएंगे। पाइनएप बेरीज का फंडा ये है कि वही ग्रेट बॉल से पहले ही अटेम्प्ट में ग्रेट आया है। तो पाइनएप बेरी से क्या होता है कि वो जैसे कि हमें सपोज 3 कैंडीज देगा, तो पाइनएप बेरीज खिला देंगे तो अब वो 3 नहीं 6 देगा। सो ये हमारी पॉकी डेक्स में रजिस्टर हो रहा है, इसका नाम है रूफलेट। 3-स्टार पोकेमोन, नॉट बैड। एंड विंग अटैक रॉक टॉम्ब। सो गाइज हमें इसके अटैक से इतना मतलब नहीं है फिलहाल, हम इसको इवॉल्व करेंगे इन फ्यूचर। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा लेवल 31 आ चुका है और मैं 220 किलोमीटर चल चुका हूँ और मैं 15 फरवरी 2020 से खेल रहा हूँ। सो गाइज थैंक यू वेरी मच।